हेलो बच्चों, दिस इज़ अमित सर। आज हम थोड़ा नया तरीके से अकाउंट सीखेंगे। बोर्ड पे तो आपने सीखा है, ये भी तरीका मैं ट्राई करके देखता हूँ। आप बताइएगा कैसा लगा आपको, लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया। सो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था लास्ट लेक्चर में। सो नाउ वी आर विद क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 306 पे मिलेगा, ठीक है। 306 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए पहले से, मैंने आपको सिखाई है एंट्रीज, वो एंट्रीज आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। और वो एंट्रीज अगर आपको आएगी तो आप ये क्वेश्चन अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो अपने आप से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हु इज़ ड्रॉवर एंड हु इज़ ड्रॉवी, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसमें क्या क्या पूछा है वो हम लोग डिसाइड करके और फिर एंट्रीज करना शुरू करेंगे, ठीक है। बट एंट्रीज आनी चाहिए, दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट टू डू दिस चैप्टर। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। तो लिखा है वहाँ पे, पंकज परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000। कितने गुड्स खरीदा पंकज ने? 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश। इसका मतलब क्या हुआ सर? पंकज ने खरीदा है मतलब ओम प्रकाश ने बेचा है, मतलब आई विल से पंकज कौन है सर? बायर। पंकज कौन है बच्चे लोग? बायर। बायर का मतलब मैंने बताया था ही इज ड्रॉवी, मतलब पंकज कौन हो गया? ड्रॉवी, जो बाय करेगा वो ड्रॉवी, ठीक है। और बेच रहा कौन है सर? ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश कौन हो गया सर? ओम प्रकाश इज सेलर। सेलर का मतलब क्या होता है? सेलर का मतलब ड्रॉवर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है इसमें कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन करोगे आप इस तरीके से, आप क्वेश्चन को एकदम सिंप्लीफाई कर सकते हो कि सबसे पहले डिसाइड कर लो। अब हर क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि इसने इसको बेचा, तो बेचने वाले का नाम पहले आता है और खरीदने वाले का नाम बाद में आता है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में वो लोग ने जानबूझ के ऐसा दिया। अगर आप आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले आप ड्रॉवर पंकज को बोल दोगे और ड्रॉवी ओम प्रकाश को। पर इस क्वेश्चन में ध्यान से थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए आपको। क्या इंग्लिश आना चाहिए? कि पंकज ने खरीदा है तो ओम प्रकाश ने क्या किया? बेचा है। तो ओम प्रकाश कौन हो गया सर? ड्रॉवर। और पंकज कौन हो गया? ड्रॉवी, बायर, ठीक है। तो कितने का गुड्स बेचा है सर? 20,000 का, ठीक है। देखते आगे कैसे बेचा है सर? ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा है। कौन सी तारीख को बेचा है सर? 15 अप्रैल 2019 को बेचा है, ठीक है। डेट भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहली एंट्री आपकी क्या आ जाएगी? इससे अब आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी फर्स्ट एंट्री? बोलिए, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो एंट्री इज ड्रॉवी टू सेल, परचेज टू ड्रॉ, ठीक है। अब इससे फर्स्ट एंट्री बन गई। आगे बढ़ते हैं सेकेंड, इसके बाद आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर साइट बिल। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ओम प्रकाश ने बिल बनाया, इससे पता चलता है ये ड्रॉवर है। पर हमको तो पहले इससे पता चल गया, क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेलर ही ड्रॉवर होता है। तो ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर साइट बिल, ओम प्रकाश ने बिल बनाया, तो बिल बनाने की एंट्री आ जाएगी। मतलब यहाँ पे सर सेकेंड एंट्री आ जाएगी बिल बनाने की, सेकेंड एंट्री। तो बिल बनाने की सेकेंड एंट्री आ जाएगी। बट आपको ध्यान में ये रखना है कि ये बिल कैसा है सर? आफ्टर साइट बिल है। और मैंने आपको डिफरेंस बताया है आफ्टर साइट बिल और आफ्टर डेट बिल में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड देर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल, आफ्टर साइट बिल, आफ्टर डेट बिल, ऑन डिमांड बिल। तो ये आफ्टर साइट बिल है। और आफ्टर साइट बिल का मतलब क्या होता है कि इसका ड्यू डेट कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ से, जिस दिन से ड्रॉवी इस बिल को एक्सेप्ट करेगा उस दिन से इसका ड्यू डेट का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ड्यू डेट का कैलकुलेशन जिस दिन से स्टार्ट होगा वो है जिस दिन एक्सेप्टेंस होगा बिल का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आफ्टर साइट बिल का मतलब यही है कि ड्यू डेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो कौन से दिन से कैलकुलेट करोगे? जिस दिन ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब दो एंट्री अपनी आ जाएगी। पहली एंट्री क्या होगी? सर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। दूसरी, ओम का ड्रॉज अ बिल, तो बिल ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। और बिल कैसा? आफ्टर साइट फॉर अमाउंट ड्यू, फॉर
अमाउंट ड्यू ऑन पंकज कितने का बिल बनेगा? अमाउंट ड्यू ऑन पंकज कितना है सर? 20,000, 20,000 का बिल है, ठीक है, फॉर 20,000 अमाउंट है, फॉर कितने महीने? 3 महीने. विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज, पंकज ने एक्सेप्ट किया, कब एक्सेप्ट किया? ऑन 18th अप्रैल, मतलब ये बनाया गया 15 अप्रैल को, पर बिल एक्सेप्ट किया 18 अप्रैल को, तो इस दिन से ड्यू डेट कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये कौन सा बिल है? आफ्टर साइट बिल है, ठीक है. तो यहाँ तक के लिए तो दो ही एंट्री है अब तक, ठीक है. क्यों? क्योंकि पहला बिल गुड्स बेचने का एंट्री है और दूसरा बिल बनाने का एंट्री है, ठीक है. आगे आगे बढ़ते हैं. ऑन 20th अप्रैल क्या हो गया? ऑन 20th अप्रैल ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल, ओम प्रकाश ने क्या कर दिया? बिल को एंडोर्स कर दिया. तो बिल को एंडोर्स करने की एंट्री आपको मालूम है, कोई भी बिल आए, कोई भी ऑप्शन, चार ऑप्शन में से ड्रॉवर लेगा, नीचे टू बिल रिसीवेबल आएगा और एंडोर्स किया है बिल, तो बिल एंडोर्स करने की एक और एंट्री आएगी, मतलब यहाँ पे एंट्री नंबर 3 आ जाएगी. तीसरी एंट्री बिल एंडोर्स करने की, और बिल एंडोर्स करने की एंट्री क्या है सर? एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल, ठीक है. एंडोर्सी कौन होता है? एंडोर्सी इज ड्रॉवर का क्रेडिटर. एंडोर्स द बिल टू क्रेडिटर जगदीश, जगदीश इसका क्रेडिटर है, तो जगदीश कौन हो गया? एंडोर्सी. जगदीश कौन हो गया सर? जगदीश इज एंडोर्सी, जगदीश हो गया एंडोर्सी, क्योंकि बिल इसको एंडोर्स हुआ है. ओके. इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 21,000. फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट 21,000 का मतलब क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए इधर. ओम प्रकाश हैज टू पे जगदीश. हाँ, क्या? ओम प्रकाश हैज टू पे टू जगदीश कितना? 21,000 ऐसा. और जो पंकज है, पंकज हैज टू पे टू ओम प्रकाश 20,000, 20,000, ठीक है. तो ये इसको देना बाकी है और ये इसको देना बाकी है. तो पंकज ने जो बिल एक्सेप्ट किया है वो डायरेक्टली इसको दे दिया गया, जगदीश को दे दिया गया. और जगदीश को दिया तो ओम प्रकाश पंकज से 20,000 लेना बाकी था, पर ओम प्रकाश जगदीश को 21,000 देना बाकी था. पर जगदीश क्या बोला? एक काम कर, कोई बात नहीं, वो 20,000 का बिल मेरे को दे दे. जगदीश ओम प्रकाश को बोला कि मैं 1,000 का तेरे को डिस्काउंट देता हूँ. मतलब ओम प्रकाश को डिस्काउंट मिला और जगदीश ने डिस्काउंट दिया, ठीक है. तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या हुआ करके. पंकज ओम प्रकाश को देगा 20,000, पर ओम प्रकाश जगदीश को पे करने वाला 21,000, पर जगदीश क्या बोलता है? एक काम कर, 20,000 दे और ख़त्म कर. तो जो बिल ओम प्रकाश के पास पड़ा था, जो पंकज ने एक्सेप्ट किया था, वो ओम प्रकाश किसको बिल दे रहा है? जगदीश को. और जैसे ही जगदीश को वो बिल देगा तो क्या हो जाएगा? 1,000 का डिस्काउंट मिल रहा है ओम प्रकाश को, और कौन दे रहा है? जगदीश. तो ये हम एंट्रीज देखेंगे. फिलहाल ये आपको थर्ड एंट्री के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, तो क्या हो गया? यहाँ पे आ जाएगी अपनी फोर्थ एंट्री. बिल क्या हो जाएगा सर? डिसऑनर हो जाएगा. कौन सा बिल डिसऑनर होगा? एंडोर्स बिल था ये, तो एंडोर्स बिल डिसऑनर हो जाएगा. तो चार एंट्री हो जाएगी. तो अब चार एंट्री आपको करनी है इस सम में. अब क्या बोला है क्वेश्चन में, डिमांड क्या किया है वो देख लेते हैं एक बार. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, यानी ड्रॉवर, ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज, पंकज यानी ड्रॉवी के बुक में एंट्रीज, और जगदीश. अब ये कौन आ गया सर? आपने इसकी एंट्रीज तो सिखाई ही नहीं. अब इसकी एंट्रीज ऐसी है कि आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसकी एंट्री सिखाने वाली नहीं होती है. अब क्या होगा, ये भी ड्रॉवर बन जाएगा. कैसे बनेगा वो हम देखते हैं, क्योंकि ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक्स में एंट्रीज हमने सीखी है, बट एंडोर्सी के बुक में एंट्री कैसे करने का वो हम अब सीखेंगे, ठीक है. और सीखेंगे मतलब क्या, इसमें लॉजिक लगने वाला है, वो प्योर अकाउंटिंग लॉजिक है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. 3 लोगों के बुक में एंट्री पूछा है और कितनी एंट्री है मैंने आपको बता दी है. तो मैं आपको अभी फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है. तो फॉर्मेट में क्या है, किसके बुक्स में पहला सर? इन द बुक्स ऑफ, फॉर्मेट अपने को बचपन से आता है. क्या बनाने का इसमें फॉर्मेट में? कुछ नहीं है, बोलिए पहले कौन है सर? इन द
बुक्स ऑफ कौन? ओम प्रकाश मतलब ड्रॉवर, ओम प्रकाश मतलब ड्रॉवर, उसके बुक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो इट इज पर्टिकुलर्स, देन ये जर्नल है तो यहाँ पे क्या आएगा सर? एल एफ, ये डेबिट रुपीस और ये क्रेडिट रुपीस, ठीक है। तो और एक यहाँ पे डेट का कॉलम आ जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि डेट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेट, ओके। चलो ये हो गया किसका बुक सर? इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश। फिर एक और फॉर्मेट हमको बनाना है, एक और फॉर्मेट हम बनाएंगे, वो कौन सा फॉर्मेट होगा? इट इज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। कौन है ड्रॉवी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, हु इज ड्रॉवी? बोलिए बोलिए बोलिए, ड्रॉवी कौन है? ड्रॉवी इज पंकज। तो ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ पंकज। क्या कर रहे हैं हम लोग सर? जर्नल एंट्रीज। क्या कर रहे हैं हम लोग? जर्नल एंट्रीज, ठीक है। पर्टिकुलर्स एल एफ, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस, ठीक है। फिर से डेट का कॉलम भी आएगा इसमें। चलो और तीसरा किसका फॉर्मेट है सर? थर्ड फॉर्मेट इज, बोलिए, इन द बुक्स ऑफ जगदीश, ठीक है। जर्नल एंट्रीज। चले तो इसके फॉर्मेट में भी क्या एंट्रीज आएगी वो हम देखेंगे बाद में, पर अभी फिलहाल फॉर्मेट बना के रख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट इसी तरीके से बनेगा जैसे हम बचपन में बनाते थे। चलो तो यहाँ पे क्या जाएगा सर? डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ, डेबिट रुपीस, फुल फॉर्म आप लिखिएगा, क्रेडिट रुपीस। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ये मैंने फॉर्मेट आपको बना के बता दिया, अब एंट्री शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट एंट्री क्या होगी सर? फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चे लोग? पंकज ने गुड्स खरीदा ओम प्रकाश से, मतलब ओम प्रकाश ने बेचा, मतलब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री, डेट क्या आएगी सर? 15 अप्रैल को बेचा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2019 अप्रैल 15, ठीक है। क्या एंट्री है बोलो? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज ड्रॉवी टू सेल और परचेज टू ड्रॉवर, उसके बुक्स में। तो ड्रॉवी कौन है? इधर ड्रॉवी टू सेल, ड्रॉवी कौन है सर? पंकज। तो एंट्री बनेगी पंकज अकाउंट डेबिट टू क्या? सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स है सर? 20,000। कितने का गुड्स बेचा? 20,000, ठीक है। नरेशन क्या आएगा सर? बीइंग, कि बोलो बोलो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब इसने बेचा है, मतलब पंकज ने खरीदा है, तो पंकज में खरीदने की एंट्री क्या आएगी बोलो फटाफट? डेट तो सर वही आएगी, डेट बोलिए 2019 अप्रैल 15। उधर था ड्रॉवी टू सेल, इधर है एंट्री परचेज। एंट्री आनी चाहिए बाबा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है सर? ड्रॉवर इज ओम प्रकाश। ड्रॉवर इज ओम प्रकाश। कितना अमाउंट सर? 20,000। 20,000। सो नरेशन इज, यहाँ पे क्या आएगा नरेशन? बीइंग गुड्स, इसने खरीदा है तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। बच्चों चार ही एंट्री है, बट आपको कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। सो दिस वॉज द एंट्री नंबर वन। अब दूसरा,
हम एंट्री देखेंगे आगे क्या बोला है, ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर साइट बिल। तो ओम प्रकाश ने बिल बनाया, तो ओम प्रकाश ने बिल बनाया कौन सी तारीख को बिल बनाया वो देखने का, सर 15 अप्रैल को बनाया। तो 15 अप्रैल को हम लोग एंट्री मारेंगे बिल बनाने की, ठीक है। तो बिल बनाया, आफ्टर साइट बिल बनाया, ठीक है। आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है सर, जिस दिन ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए जिस दिन ड्रॉवी को बिल को एक्सेप्ट करेगा उस दिन से ड्यू डेट कैलकुलेट होगा, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दिखने में उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल बनाने की अभी एंट्री आएगी, तो बिल बनाने की एंट्री क्या है बच्चे लोग बोलो फटाफट, इट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। तो एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है बच्चे लोग, पंकज। एंड अमाउंट विल बी सर, कितने का बिल, जितने का गुड्स बेचा उतने का बिल बनाया उसने, 20,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड फॉर 3 months, ठीक है, ये आपका नरेशन होगा। इधर एंट्री है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, उधर क्या एंट्री आएगी सर, इट इज एंट्री बोलिए फटाफट, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी यहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। तो वहाँ पे जाके हम एंट्री मार लेंगे, पर डेट हमको लिखना पड़ेगा सर 18 तारीख। रीजन क्या है, ड्रॉवी जब एक्सेप्ट करता है उसके बुक में तभी का एंट्री आएगा, ठीक है। तो अप्रैल 18 को एंट्री क्या आएगा सर, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। अब ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवर कौन था सर, ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश ड्रॉवर है, तो ओम प्रकाश के बुक्स, ओम प्रकाश का नाम ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, तो ड्रॉवर मतलब ओम प्रकाश, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कितने का सर, 20,000। सो आई होप दिस एंट्री इज क्लियर। और नरेशन आप जो है वही लिख दोगे सेम, बीइंग बिल ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड, सेम नरेशन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या है सर, ये सब कहानी दिया हुआ है कि बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज, ठीक है, 18 अप्रैल। ऑन 20 अप्रैल ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल, थर्ड एंट्री यहाँ पे है, ठीक है। ऑन 18 अप्रैल क्या हो गया, आफ्टर साइट बिल बनाया पंकज ने 3 महीने का, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज, उसकी एंट्री हम कर चुके हैं। ऑन 20 अप्रैल ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर, ओम प्रकाश ने बिल किसको दे दिया, उसके क्रेडिटर को, ठीक है। पंकज से कौन पैसा लेने वाला था, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश किसको पैसा देने वाला, जगदीश को। तो डायरेक्टली इसका जो बिल है वो डायरेक्टली किसको दे दिया, जगदीश को, पर जगदीश को ओम प्रकाश पे करने वाला था 21,000, पर बिल था 20,000 का, इसका मतलब ओम प्रकाश को 1,000 का डिस्काउंट मिला। तो पहले हम एंडोर्स की एंट्री मारेंगे, क्या एंडोर्स की एंट्री आएगी 20 अप्रैल को, सो आई विल राइट अप्रैल 20 को एंट्री क्या होगी बोलिए फटाफट, एंडोर्स करने की एंट्री इज, एंट्री अगर आपको नहीं आती तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, एंट्री इज एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल। तो एंट्री क्या है, एंडोर्सी, एंडोर्सी कौन है सर, जगदीश, ठीक है। एंट्री इज जगदीश, एंडोर्सी जगदीश अकाउंट, एंडोर्सी कौन है, जगदीश, टू बिल रिसीवेबल होता है नॉर्मली, बट अब ध्यान दीजिए ये जो ओम प्रकाश है इसके बुक्स में हम एंट्री मार रहे हैं, तो उसको क्या हुआ है, डिस्काउंट मिला है 1,000 रुपये का, क्योंकि ओम प्रकाश ने जो बिल दिया है जगदीश को वो सिर्फ 20,000 का है, पर जगदीश कितना लेना बाकी था, 21,000, पर वो फुल सेटलमेंट का हो गया, यहाँ पे लिखा है फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब जगदीश ने ओम प्रकाश को 1,000 का डिस्काउंट दिया, तो वो भी आ जाएगा। तो पहले लिख देंगे हम टू बिल रिसीवेबल, जगदीश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वो तो हमने लिख दिया, ठीक है। और आएगा सर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, किसको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला ओम प्रकाश को, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, जगदीश को कितना देना बाकी था सर 21, अमाउंट ले को कैसे लिखते हैं, बिल कितने का था सर 20, और डिस्काउंट कितना मिला अपने को 1,000, सिंपल है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल एंडोर्स्ड, बिंग बिल एंडोर्स, इतना लिख के छोड़ देंगे। बाद में इसके बुक्स में क्या आएगा सर, ठीक है, इसके बुक्स में सर अप्रैल 20 को
पंकज की बुक में नो एंट्री, रीजन क्या है सर? बिल किसने एंडोर्स किया है? ओम प्रकाश ने। तो ओम प्रकाश ने बिल एंडोर्स किया है तो उसके बुक्स में एंट्री आएगी, बट पंकज का उससे कोई लेना देना नहीं है इसलिए उसके बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद सर अब आता है एक और बंदा अप्रैल 20 को जिसके बुक्स में एंट्री आएगी, दैट इज 2019, जो है जगदीश। जगदीश को बिल मिला है, किससे मिला है जगदीश को बिल? जगदीश को बिल मिला है ओम प्रकाश से, तो ओम प्रकाश के बुक में एंट्री है और जगदीश को मिलेगा तो जगदीश के बुक में एंट्री आएगी। अब क्या हो गया, जगदीश को बिल मिला है तो जगदीश को पैसा मिलेगा, तो जगदीश के लिए बिल हो गया बिल रिसीवेबल, ठीक है? तो बिल्स रिसीवेबल, इसको बिल मिला है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब बिल किससे मिला है इसको? ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश से पैसा लेना बाकी था, इसका मतलब क्या हो गया, ओम प्रकाश हैज टू पे टू जगदीश, मतलब ओम प्रकाश डेटर है। किसका डेटर है ओम प्रकाश? किसका डेटर है? जगदीश का डेटर है, तो इससे से पैसा लेना बाकी था। अब क्या हुआ, बिल मिला तो डेटर खत्म हो गया, डेटर कम हो जाएगा तो डेटर क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। डेटर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा, टू ओम प्रकाश, क्योंकि डेटर था जगदीश का। डेटर कौन है? ओम प्रकाश, जिसने पैसे दे दिए हैं 20,000 रुपये, जबकि 21,000 रुपये देने थे, तो 1,000 का इसको डिस्काउंट का लॉस हो गया, तो वो डिस्काउंट भी हम लोग डेबिट करेंगे। अब देखिए आप अगर बिल का देखेंगे, बिल का वैल्यू 20,000 है, 20,000, बट ओम प्रकाश से कितना लेना बाकी था? बिल का अमाउंट 20,000 है, ओम प्रकाश से लेना बाकी था 21,000, तो क्या हो गया, इसने फुल सेटलमेंट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसने जगदीश ने ओम प्रकाश को डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दे दिया? डिस्काउंट डेबिट हो गया 1,000 का डिस्काउंट, ठीक है? तो अब इसने बिल बीइंग, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल एंडोर्स्ड इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, ठीक है? मतलब क्या हुआ, इसमें ओम प्रकाश से 21,000 लेना बाकी था जगदीश, ठीक है, पर बिल कितने का था? 20,000 का। इसका मतलब क्या हुआ, 1,000 का डिस्काउंट दिया है किसने? ओम जगदीश ने ओम प्रकाश को, तो वो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। सो तीन एंट्री यहाँ पे अब तक हो चुकी है अपनी। उसके बाद क्या हुआ लास्ट में, अब एंट्री लास्ट एंट्री है, चार ही एंट्री थी, मैंने इस क्वेश्चन में बताया था आपको। द बिल वॉज डिसऑनर्ड, क्या हो गया, यहाँ तक हमारा हो चुका है फुल सेटलमेंट तक। बाद में क्या हुआ, ऑफ दिस हिज अमाउंट 21,000 ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज, पंकज ने बिल डिसऑनर्ड कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बिल प्रकाश ओम प्रकाश ने पंकज को, पंकज का बिल ओम प्रकाश ने जगदीश को दिया था, क्या बोला था कि तेरे को पैसा कौन देगा पंकज, पर बाद में ड्यू डेट पे क्या हो गया, पंकज ने एक भी रुपया नहीं दिया जगदीश को, मतलब इसको बोलते हैं डिसऑनर। तो सबसे पहले आपको डिसऑनर के लिए डेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम? ड्यू डेट मैंने आपको बोला था, इट कौन सा बिल है, ये बिल एट साइट, आफ्टर साइट है। आफ्टर साइट का मतलब होता है जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया, 18 अप्रैल को एक्सेप्ट किया, इस दिन से आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, ठीक है? कितने महीने का बिल था वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। सर 18 अप्रैल है तो 18 अप्रैल में आप 3 महीने ऐड करो, तो 18 अप्रैल में आप 3 महीने ऐड करोगे तो क्या आएगा, बोले अप्रैल के बाद 1 महीना मई हो जाएगा, फिर जून हो जाएगा और जुलाई हो जाएगा, मतलब जुलाई 18 हो जाएगा और प्लस आपको क्या करना है 3 डेज, तो कितना आ जाएगा ड्यू डेट 21 जुलाई, मतलब 21 जुलाई आपका ड्यू डेट होगा, क्योंकि 18 तारीख से आप कैलकुलेट, 15 से मत लेना, 18 से लेना, क्योंकि आफ्टर साइट है, ठीक है? तो ये ड्यू डेट पहले लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि डिसऑनर हुआ है उस दिन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जुलाई 21 तारीख डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो जाता है बिल, कोई भी बिल डिसऑनर होता है ड्रॉवी डेबिट करते हैं, ठीक है? तो ड्रॉवी डेबिट करेंगे, ड्रॉवी कौन है सर? ड्रॉवी पंकज है, तो अपन डेबिट करेंगे पंकज अकाउंट डेबिट, और कौन सा बिल था मैंने बोला, एंडोर्स बिल डिसऑनर, तो एंट्री क्या बनती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, तो यहाँ पे आपको एंडोर्सी भी लिखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए जब बिल एंडोर्स किया था तो डिस्काउंट मिला था, पर अब ये बिल डिसऑनर हो चुका है तो अब ये डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये बिल ऑनर नहीं हुआ है। ये बिल का पैसा अगर जगदीश को मिल जाता तो ये डिस्काउंट वैलिड होता, पर अभी ये पैसा मिला ही नहीं क्योंकि डिसऑनर हो गया, तो ये डिस्काउंट जो है वापस से रिवर्स हो जाएगा, तो हम डिस्काउंट अकाउंट को वापस से रिवर्स कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट रिवर्स कर देंगे,
मतलब एंट्री अपनी नॉर्मल है पंकज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, ठीक है, पंकज मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, तो एंडोर्सी कौन है सर, जगदीश, जगदीश अकाउंट, ठीक है, तो पंकज टू जगदीश हो गया। पर जो डिस्काउंट दिया था 1000 का ओम प्रकाश को जो मिला था वो डिस्काउंट वापस रिवर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पंकज ने पैसा दिया ही नहीं जगदीश को, ठीक है, इसलिए डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा। चलो जगदीश को हम कितना देना बाकी था, देखो 21000, यहाँ 21000 लिख देंगे, 21000 देना बाकी था। पंकज कितना, पंकज से कितना लेना था 20, और जो 1000 डिस्काउंट दिया था वो रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एंट्री बन जाएगी। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर, ठीक है। अब एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर के बुक में तो हमने लिख दिया, अब ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा सर, वापस सेम डेट को आएगा, सेम डेट को, दैट इज जुलाई 21, क्या एंट्री आएगी जुलाई 21 को सर, जुलाई 21 को एंट्री आएगी, क्या एंट्री आएगी, यहाँ पे अगर एंडोर्स बिल डिसऑनर होता तो अलग अलग एंट्री, मतलब जितनी भी थी उसमें अलग अलग एंट्रीज थी, पर यहाँ पे ड्रॉवी के बुक में एक ही कॉमन एंट्री, कोई भी बिल डिसऑनर हो, एंट्री क्या है बोलो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, सो एंट्री इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन है सर, ओम प्रकाश, देखो इसको कोई लेना देना नहीं है डिस्काउंट विस्काउंट से, इसके लिए कोई इशू नहीं है, ये 20000 देना था, इसका 20000 इसने नहीं दिया, बस इसको इतना ही लेना देना है, बाकी इसको डिस्काउंट से कोई लेना नहीं। डिस्काउंट किसको मिला था, डिस्काउंट मिला था ओम प्रकाश को, और दिया किसने था, जगदीश ने, तो इन दोनों में डिस्काउंट की एंट्री आएगी, ओम पंकज को कोई लेना देना नहीं है डिस्काउंट से, इसलिए उसमें डिसऑनर की डायरेक्ट 20000 की एंट्री आएगी। और नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर, ठीक है। और लास्ट एंट्री इसके बुक में क्या आएगी सर, एंडोर्स बिल डिसऑनर की 21 जुलाई को ये एंट्री पूरी रिवर्स हो जाएगी, जो एंट्री है वो पूरी रिवर्स हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं करना है। पहले डेटर था, डेटर ने पैसा दिया तो हमने उसको क्रेडिट किया था, अब उसने पैसा नहीं दिया पंकज ने जगदीश को, तो जगदीश किससे मांगेगा, वापस ओम प्रकाश से मांगेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जगदीश को पैसा मिलना था ओम प्रकाश से, पर ओम प्रकाश ने बोला तेरे को पैसा देगा पंकज, ठीक है, पर पंकज ने पैसा नहीं दिया, तो जगदीश पंकज को नहीं पकड़ेगा, जगदीश किसको पकड़ेगा, ओम प्रकाश को, मतलब ओम प्रकाश फिर से क्या बन जाएगा उसका डेटर। सो नाउ द एंट्री विल रिवर्स, सो एंट्री क्या हो जाएगी, वापस से सर ओम प्रकाश बन गया डेटर, तो ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो डिस्काउंट मिला था वो फिर से, डिस्काउंट मिला था वो फिर से क्या हो जाएगा सर, रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, और जो बिल रिसीवेबल एसेट था वो डिसऑनर हो गया, तो बिल रिसीवेबल एसेट भी कम हो जाएगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट कैसे भरेंगे सर, देखो बिल कितने का था, 20000 सर, सिंपल है, डिस्काउंट कितना था सर, 1000, और ओम प्रकाश से कितना पैसा लेना बाकी था, जगदीश 21 था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, मेरे ख्याल से आपको सब क्लियर है, बाद में आपको टोटलिंग करना है, बचपन वाला खेल है, आप टोटल तो कर ही सकते हो, ये मुझे मत बोलिएगा कि सर आपने टोटल नहीं किया, थोड़ा सा प्लस माइनस कीजिए, बचपन में नहीं आया तो फ़ोन कीजिए, टोटल आपको बताऊँगा प्लस माइनस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, टोटल करना सिखा दूँगा, ठीक है। तो ये आपका सम था क्वेश्चन नंबर 4, ज़रूर बताइएगा आपको समझा कि नहीं समझा, ये थोड़ा अलग मैंने ट्राई किया है, अभी ऐसे समय में हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, तो अगर आपको समझा है तो भी बताइए, नहीं समझा है तो भी बताइए, ये पूरा सम अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अगला सम लेके मैं जल्दी आऊँगा अगले नेक्स्ट लेक्चर, और एंट्रीज जिसको नहीं आती है उसको इसमें से कुछ भी समझा नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये 110% है, अगर आपको समझना है तो मैंने जिस तरीके से एंट्री समझाई उसके पहले वाले लेक्चर देख लीजिए, आपको इजीली समझ आएगा। थैंक यू बच्चों।